यही संतों का साधुओं का स्वभाव है। और जो ऐसे पुरुष होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं, वो सबका दुख दर्द जानते हैं और उसे समझते हैं और उसे दुख दर्द को काटने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री राधे राधे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों को महाराज की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करूंगा कि सबका कल्याण हो और महाराज की कृपा रहे कि आपका बरकत आज से बढ़ना शुरू हो जाए। ताकि साल भर के बाद आओगे तो बताओगे कि महाराज ने बहुत बरकत हमें दिया है, लाभकारी हुआ है। और ऐसे जुड़े रहना, आते रहना, दुख रहे या ना रहे, महीने में एक बार भी अगर आते रहोगे तो आपको बरकत महाराज देते ही रहेंगे। जो भी बारी में हर जगह बरकत देते रहे और उसके बदले महाराज को कुछ भी नहीं देंगे। आप से जो हो सकेगा बउआ आधा किलो एक किलो तो उसी भंडारे में अनाज देते रहना, उसी से आपके दस भाई खाते पीते रहे। और कुछ अब आप लोगों का दिया हुआ अनाज जो आता है उसी से लोग जो आ रहे हैं दूर दूर भी आ रहे हैं वो लोग तीन दिन चार दिन रहकर भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और आराम मिल जाता है वो अपने घर को जाने। आप लोगों का एक किलो का दिया हुआ चावल दस लोग खा रहे हैं, इससे आपको भी आशीर्वाद मिल ही तो रहा। सबके दुख कटेंगे, सबके धीरे धीरे रोग मिटेंगे और सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भावना से और विश्वास से आप लोग आते रहिए, सबका कल्याण होगा। और भंडारा आज है महाराज का, महाराज ने कहा कि सबको पूरी सब्जी खिलाओ अपने दरवाजे। आप लोग सब रुकिए और सब लोग खुद सेवा करके बनाइए और सबको खिलाइए। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। ले लिया है, आपको कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। सबका कल्याण दूर होगा और सबका कल्याण होगा। आज के बाद सबके हम बरकत महाराज देंगे, निश्चित देंगे। आते रहिए, सबका रोजी रोजगार मिलेगा, सबको बरकत मिलेगा। जय जय श्री राधे राधे। बोलो बाकी बिहार लाल राधा रानी सरकारी की है। प्रसाद मोती बटवाइए और फिर उसके बाद में भंडारे में सेवा के लिए चार पांच छह आदमी को लगाना, जनानियों को पूरी बेलने के लिए बाहर बैठाना, ठीक है। और उसके बाद आ रहे हैं भंडारे में। देखा किया होता है।
आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए।